शादी ब्याह के फंक्शन में जाएंगे, ये होते हैं उधर देखते हैं, यार इतना मिलता है, ये सब मजा मारे, माइंड खिला रह गया, चंदा दिया है तो वसूल तो करेंगे कि नहीं, बराबर है। एक बार खाने से क्या फर्क पड़ता है, एक बार फिसलने से क्या फर्क पड़ता है, उतना होता है। एक बार फिसलते हैं हड्डी टूटती है ना, फिर कितना दिन लगता है, बराबर है, फ्रैक्चर होता है ना। तो यहाँ भी एक बार खाएंगे फिसलेंगे, फ्रैक्चर से थोड़ा हल होता है, समझ गए। तो एक बार का भी वहां पे यहाँ पे ये सब क्वेश्चन मार्क खड़े करना, एक बार ले लिया क्या हो गया, अरे एक बार गए तो फ्रैक्चर से भी बुरा हाल हो जाएगा, बेड रिडन हो जाएगा, ऐसी हालत होती है, फिर बार बार कौन होता है, ठीक है। घर पे यही खाते हैं ना, बराबर ना, रोटी दाल भात साग सात्विक, बराबर है कि नहीं, ध्यान से देखो, यही खाते हैं ना, कितना नहीं खाते, अरे इससे ज्यादा खाते होंगे, दाल चावल। मैडम पर्सनल कमेंट देना बंद करो, ये सबके लिए प्रोग्राम है, बाकी के लोग समझते हैं, इससे ज्यादा खाने वाले है, ऐसे तीन बार रोटी लेके खाने वाले भी है यहाँ बैठे हैं, ऐसे कैसे एफडी पड़ती नहीं है, एफडी दिखती है कि नहीं सामने। अभी भगवत गीता में सात्विक डाइट के बारे में चैप्टर 17 वर्स 8 क्या लिखा है, जूसी अल्कलाइन डाइट, बराबर है। भगवत गीता में तामसिक भोजन की व्याख्या क्या की गई है, क्या लिखा है, बराबर है। तो मैंने क्या बताया, एक आपको सात्विक, एक तामसिक और ये राजसिक, बराबर है, समझ गए क्या, बराबर है। देख लिया तीनों डाइट, यस। अभी ये कौन सा डाइट है, राजसिक है, तामसिक है, सात्विक है, कृष्ण जी के हिसाब से इसमें आगे आएंगे, सात्विक क्या है, तामसिक क्या है और राजसिक क्या है, बराबर है। अभी ये आपने देख लिया, फिर से सात्विक, तामसिक, राजसिक, बराबर है। अभी ये जो फूड आप खाते हैं उसमें हमारे खाने में मक्खन होता है, दूध होता है, दही होता है, घी होता है, तेल होता है, तली हुई चीजें होती है, गुड़ होता है, शक्कर होता है, पनीर होता है, आइसक्रीम होता है, फिर ये मसाले होते हैं, पापड़ होता है, मिठाइयाँ होती हैं, और भी बहुत सारे टेस्टी चीज, दाल, पनीर, पापड़, दाल, घी, लस्सी, फ्रूट सलाद, चीज, श्रीखंड, ये सब होता है कि नहीं, होता है, बराबर है। हमारे सुबह या शाम के खुराक में ये सब होता है कि नहीं, बराबर है। अभी मुझे बताओ इसमें अल्कलाइन क्या है, ये जो आपका जो सात्विक डाइट है उसमें अल्कलाइन क्या क्या है मुझे बताइए, एक भी आइटम नहीं है, ककड़ी ककड़ी चावल के ऊपर, हां चावल के ऊपर ककड़ी है, ककड़ी के दो स्लाइस है, बराबर है, और दो टोमेटो स्लाइस पूरी, केले का, केले की सब्जी थी, नींबू है, एक नींबू की छोटी स्लाइस है, दो तीन गाजर के टुकड़े हैं, गाजर है, बराबर है, कुछ कुछ भाजी है, थोड़ी सी वो भी पकाई हुई है अगली पे, कच्ची नहीं है, बराबर है, केले की भाजी, जो भी है, केले की है, वटाना है, जो भी होगा वो है, बराबर है। अभी इसमें से अल्कलाइन कितना है, पचने में इजी कौन सी आइटम है, समझ रहे हैं, अल्कलाइन जो है कुछ ककड़ी है,
कुछ गाजर के टुकड़े हैं, एक नींबू की पतली स्लाइस है। बाय वेट एंड वॉल्यूम अल्कलाइन कितना है? 1% भी नहीं है मैडम, बहुत कम, 1% 2% 5% ओके। ये नॉर्मल डाइट है कि नहीं? बराबर है। कल हमको बताया क्या गया था, 80% अल्कलाइन 20% एसिडिक की बात हो गई थी, बराबर है। तो ये पूरा क्या एसिडिक है जो अल्कलाइन एसिडिक, बराबर है। कितना एसिडिक खुराक खा के हम स्वस्थ रहेंगे सालों साल? आज से पहले किसी ने ये बताया था आपको? बड़े बड़े पीएचडी डॉक्टर के पास, बड़े बड़े अस्पतालों में जाके आई है ना, किसी ने ये बताया था? नहीं। क्या समझ में आया? हमारा शरीर अल्कलाइन डाइट के लिए बना है। अल्कलाइन डाइट और हेल्थ की दोस्ती है। क्या है दोस्ती? ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे तब मगर, लेकिन तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, बराबर है। तेरी जीत मेरी जीत, बराबर है कि नहीं? वीरू तूने ये क्या किया साथी? तू बिछड़ गया, अलग अलग डाइट तू बिछड़ गया, हुआ कि नहीं? एसिडिक डाइट तेरा दम मेरा दम है कि नहीं? अल्कलाइन डाइट के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, समझ गए? और हमारा मेजर डाइट एसिडिक है। ये देखो मैं फंडामेंटल मिस्टेक दिखा रहा हूँ, कोई सुपर साइंस नहीं है, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं, आउट ऑफ सिंपल नॉलेज बता रहा हूँ। ये खाएंगे तो स्वस्थ रहना पॉसिबल नहीं है, सालों साल खाएंगे तो बॉडी है ना शहीदी के मोड में जाती है। क्या होता है? शहीद हो रही है, धीरे धीरे शहीदी हो रही है, हो रही है, हो रही है, सर्वाइवल मोड में जा रहा है। क्या, किस मोड में जा रहा है? बराबर है, सैक्रिफाइस मोड में जा रहा है। धीरे 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 कर्जा बढ़ते जाता है, घर का सामान बेचा, गहने बेचे, फर्नीचर बेचा, धीरे धीरे कंगालियत दिखती है ना, वही हमारे हेल्थ में कंगालियत होती है। एसिडिक डाइट जो लेते हैं तो वो हमारे शरीर को कंगाल बना दे जाता है, कंगाल बना दे जाता है, कमजोर बना दे जाता है, समझ रहे हैं? इसलिए 40 साल, 50 साल, 55 साल, 60 साल के बाद में ये जो भी प्रॉब्लम है वो मेजर एसिडिक डाइट लेने के है। क्लियर? एसिडिक डाइट लेंगे तो आपका शरीर का कोई भी ऐसा स्पेयर पार्ट नहीं है जिसको तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ कहीं भी हो सकती है, देख लो टॉप टू बॉटम। आपको जो भी प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन के है या ये है वो है, जो भी है, रूट कॉज इज ग्रॉस कंजम्पशन ऑफ एसिडिक डाइट, समझ रहे हो? यस और नो? यस। और इतना जोर से चिल्ला कर डेवलप कर रहे हैं। क्या ये हमारा खुराक है? ना, नहीं है। कभी ब्रह्म ज्ञान हुआ? आने के बाद भगवत गीता में ढूंढ लीजिए, क्रिश्चियनिटी में ढूंढ लीजिए, जैनिज्म में ढूंढ लीजिए, कहीं भी अनाज का कोई उल्लेख नहीं है, हर कोई ठोक ठोक के खाता है। शुद्ध शास्त्रों में नहीं है, शुद्ध साइंस में भी नहीं है। मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स पे बहुत रिसर्च हो चुका है, बहुत कुछ मॉडर्न रिसर्च भी है, लेकिन वो मॉडर्न रिसर्च पूरी तबाही नहीं है। आप समझ रहे हैं क्यों?
ऐसा नहीं कि आधुनिक विज्ञान में ये नहीं है, आधुनिक विज्ञान में भी ये रिसर्च हुआ है, बहुत सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स बने हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में आए नहीं। क्यों? क्योंकि आएंगे पब्लिक समझ जाएगी तो बहुत सारे उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उनके धंधे बंद हो जाएंगे, तो ना कोई चाहता है, ना तो वो इंडस्ट्री चाहती है, ना तो गवर्नमेंट चाहती है, ना तो करप्ट सिस्टम चाहती है। समझ रहे हैं? हाँ, बीमार आदमी पे राज करना बहुत आसान है, कमजोर आदमी पे राज करना आसान है। तो आप बीमार और कमजोर रहेंगे तो जिनको राज करना है उनका काम इजी हो जाता है कि नहीं? समझ गए? तो ये सत्य आपके पास नहीं आएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ आप लोग का पुण्य था कि यहाँ आए। क्लियर? हरीश भाई जो है उन्होंने कुछ गेहूं के दाने, कुछ चने के दाने, कुछ चावल के दाने मंगाए हैं, वो अभी आप सभी को देने वाले। गेहूं के दाने लो खाने के लिए, खाने के लिए सबको दिए जाएंगे। कौन कौन खाने को तैयार है? हाँ, कोई तैयार है तो हाथ ऊपर कर दे। हाँ, क्या होगा गेहूं के दाने खाने? क्यों नहीं खाने? हाँ, चबानी टेस्ट नहीं है उसमें। हाँ, टेस्ट नहीं है, रुचि नहीं होती देखने के बाद, पानी नहीं आता। हम बने तुम बने मुझे के लिए ऐसा नहीं हो रहा है। हाँ, ऐसा नहीं टेस्ट नहीं है, ऐसे असली चीज में टेस्ट नहीं है। खाते हैं ना, इसमें मध में डाल के हिला तो खा जाओगे। आपने पूछा था ना मध क्यों लेना चाहिए, मध और मदिरा काम एक ही करते हैं, गुड़ भी यही काम करता है। गुड़ के साथ मिला दो तो खा जाएंगे, शक्कर के साथ मिला दो तो खा जाएंगे, नमक के साथ कर लो तो खा जाएंगे, सॉल्टी। समझ रहे हैं? तो ये गेहूं आपको देंगे, चलो आपको जबरदस्ती करते हरीश भाई, तो गेहूं लेके चबाएंगे तो क्या होगा? टेस्ट है नहीं बराबर है, क्या हो जाएगा? गेहूं किसमें खा के देखा है? च्युइंगम जैसा बन जाएगा, शाम तक दांत टूट जाएंगे, च्युइंगम बन जाएगा, चबाते रहो चबाते रहो। चलो मालूम है च्युइंगम जैसा है, नीचे तो जाता नहीं है, अंदर ही गोल गोल घूमते रहता है। तो हरीश भाई बोलते हैं ये लो मुंह में रखो, पानी पी जाओ, बराबर है? आपने वो तो कर सकते हो कि नहीं? बराबर है, जैसे दवाई लेते हो वैसे ये गोली ले, गेहूं भी ले सकते हो कि नहीं? दवाई लेते हो टेस्ट है, लेकिन लेते हो ना, याद करके लेते हो ना, कभी टेस्ट क्यों याद नहीं आता? गेहूं के टाइम टेस्ट याद आया, कभी तो बड़े लेट हो गया 15 मिनट लेट हो गया, बाप रे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसमें टेस्ट है क्या? नहीं है, गेहूं में भी टेस्ट नहीं है। अभी ये गेहूं आपने लिया, ऊपर से पानी पी लिया, ओके। फिर हरीश भाई ने बोला ये चने खाओ, कौन खाएगा चने? वो कड़क चने कौन खाने को तैयार है? वो चना टूटेगा या दांत टूटेगा? दांत टूटेगा, कौन तैयार है? हाँ, नहीं खाना, बराबर है। चना लिया, पानी पिया, निकल गए, बराबर है। फिर दूसरे दिन नीचे देखा, क्या निकला? चना निकलेगा, गेहूं बाहर निकलेगा, बॉडी ने डाइजेस्ट किया नहीं किया? तो कौन इसको डाइजेस्ट कर सकता है? पक्षी, पक्षी और ऐसे कोई जीव है जो इसको डाइजेस्ट कर सकता है? पक्षी को चोच है, दांत है, वो चोच से अंदर निकल जाता है, नीचे से क्या निकलता है? भूसा। उसका ग्राइंडर किधर था? अंदर है, उसने ग्राइंडिंग करके निकाला ना, निकाला कि नहीं? तो डाइजेस्ट किया, इस पे निकला। हमारा बॉडी उसको तोड़ सकता है? वैसे तो वैसे निकला। आप साग भाजी खाते हो ना, फ्रूट खाते हो, पूरा थोड़ा थोड़ा टुकड़ा जाता है, लेकिन वो टुकड़े ऐसे कैसे निकलते हैं?
और डाइजेस्ट हो जाते हैं, तो अपना अपना जो उस पर पता नहीं चलता है, बराबर है। तो गेहूं का दाना डाइजेस्ट नहीं होता है, चावल का दाना डाइजेस्ट नहीं होता है, चने का दाना डाइजेस्ट नहीं होता है। इसमें से एक भी आइटम आपको लगती है आप डाइजेस्ट कर पाते हो? अभी गेहूं को मैंने पानी में भिगो के दे दिया, क्या किया हरीश भाई ने, कुछ कल रात को डाल के रखा है, बराबर है। वो अभी दे देंगे तो तैयार है खाने के लिए, अभी तो चबा सकते हो। चना जो था अभी डालेंगे तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया, कितना जन खाने को तैयार है? कोई नहीं, बराबर है, बराबर चना खाने। अभी चने को गर्म पानी में डाल के थोड़ा उबाला है और खाएगा, खा सकते हो, बराबर है, खा सकते हैं कि नहीं? मसाला डालना पड़ेगा, मसाले में भी नमक डालना पड़ेगा, थोड़ा नींबू डालना पड़ेगा, नहीं डाला थोड़ा मिर्च डालना पड़ेगा, थोड़ा धनिया डालना पड़ेगा, थोड़ी काली मिर्च डालनी पड़ेगी। और ये सब करने के बाद नहीं, वो अपना चना वो खाते हैं ना दुकान पे जाके, थोड़ा कांदा थोड़ा ये थोड़े तीखी खाते है ना, हरा चना खाते है कि नहीं? चना मसाला खाते है ना, तो कभी कोई ब्रेक मारवा सकता है आपको? एक ही कारण है, उसमें नमक आने के बाद में वो बेकाबू हो जाते हो आप। जो चना आप चबा नहीं सकते थे, पानी में नहीं ले सकते थे, गर्म पानी में नहीं ले सकते, जैसे ही उसमें नमक आया आप उसमें नशा आ गया, और जो नहीं खाने की चीज थी वो आप डबल ट्रिपल क्वांटिटी में खा जाते, समझ रहे हो? क्या है दूसरा, क्या है पकाने का फायदा, क्या है? चबाना आसान हो गया, चबाना नहीं पड़ता, आप स्वालो कर सकते हो। एक ककड़ी टमाटर खाने में प्रॉब्लम क्या है? चबाना पड़ता है, साथ दुखता है, ऐसे भी बोलने वाले हैं। अभी आपको गाजर बीट दे दूं क्या होगा? करना पड़ेगा ना, क्योंकि अपना मिक्सर ग्राइंडर चालू करना पड़ता है, है कि नहीं? मिक्सर ग्राइंडर दिया है ना ऊपर वाले ने, कैंची भी दी है, छुरी भी दी है कि नहीं? कुछ दांत छुरी जैसे है, कुछ मिक्सर ग्राइंडर है कि नहीं अंदर? वो अंदर से ही वो निकाल के जूस निकाल के ले लेता है, दिया तो है अपना मिक्सर ग्राइंडर भी दिया, लेकिन यूज नहीं करना है, तो इसलिए पका पका के खाते हैं। अभी चबाने की जो डायरेक्ट स्वॉलो कर लो, नमक का नशा चढ़ गया, फिर नहीं खाने की चीज भी हम खा लेते हैं, समझ रहे हैं? Yes. हमारी बॉडी ओरिजिनल फॉर्म में डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, तो कितना प्रोसेसिंग करते हैं भी देख लो। गेहूं ऐसा कैसा नहीं खा सकते हैं तो हम उसको पीस देते हैं, हमारी बॉडी पीस नहीं सकती है तो हम बाहर जाके चक्की में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग बुढ़िया गोइंग जेल, बुढ़िया जेल में जाए ना जाए बीमार तो हो जाए, समझ रहे हैं? जितने भी बुढ़िया बीमार है उसके लिए कारण है ये जो आटे वाली चीज खाते हो, आटे के आटे में आ गए आप, किसके आटे में आ गए? समझ गए आटा क्यों बोला, क्योंकि उसके आटे में आप आ गए। इसमें फंसा हुआ आदमी जल्दी बाहर नहीं निकलता है, तो आटा बना दिया, आटा का अगर हरीश भाई आपको पूरा आटा ले भाई है, इसको ले लो पाकी के जैसे ले लो, अंदर उतार दो, उतार सकते हैं? नहीं, यानी थोड़ा पानी पी लो उतार सकते हैं, वो तो गले में चिपक जाएगा पहले, तो उसके सब इसके धूम की लुटी से चिपका कर आपको मालूम है, तो वही चीज आपको वो भी नहीं कर सकते हम। फिर गेहूं को आपको रखा, फिर उसमें पानी डाल के ये बनाया, फिर आपने वो बना के रोटी ऐसे करके रोटी जैसे ब्रेड राउंड बनाई, बराबर है? अगर मैं आपको वैसी दे रोटी दे दूं तो खाएंगे नहीं, बराबर है? क्यों? कच्ची है, कच्ची है, सच्ची नहीं है, बराबर है? अभी मैंने आपको एक साइड गर्म करके दे दी तो खाएंगे, मैंने दोनों साइड गरम करके दे दी तो खाएंगे?
पक्का अभी नहीं खाएंगे नहीं नहीं घर जाके एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा सिर्फ रोटी अकेली खानी है नहीं खा सकते नहीं खा सकते रोटी तो अकेली रोटी नहीं खा सकते हैं खा सकते हैं अनुकूल है खा सकते हैं लेकिन अनुकूल नहीं है अरे भैया मेरी आप ट्राई करके देखना एक दो रोटी खा सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं रोटी इज इनकम्प्लीट डाइट अभी तक मैंने उसमें नमक नहीं डाला था खाएंगे मसाला डाला ही नहीं था आप खाएंगे बिना नमक की रोटी खाना डिफिकल्ट है मान लो मैंने नमक भी डाल दिया बराबर है घी नहीं लगाया खाएंगे घी भी लगा दिया अकेली रोटी खाना है पानी भी नहीं दाल भी नहीं खाएंगे सूखा रोटी कौन खा सकता है सूखी रोटी खाना पॉसिबल है उसको सपोर्ट में दाल भी चाहिए कि नहीं चाहिए कि नहीं तो डिपेंडेंट है कि नहीं एप्पल अगर देंगे तो कोई डिपेंडेंसी है मसाले की जरूरत है नहीं है कुछ भी जरूरत है छुरी की भी जरूरत है नहीं है अंदर की छुरी काम करती है ना अंदर का मिक्सर ग्राइंडर काम करता है कि नहीं ये सब चीज उसमें है अग्नि पे चढ़ाना पड़ता है नहीं समझ रहे हैं तो ये दाल हो चावल हो जो भी चीज है ये सभी आपके ओरिजिनल खुराक नहीं है ये क्या खुराक है नहीं नहीं मैं वही तो बोल रहा हूँ जो नहीं खाना खाता है इसलिए सभी बीमार है पशुजन्य खुराक नहीं लेना चाहिए वही तो चलता है चीज पनीर सुबह उठे रात भर देखो कितना एनिमल प्रोडक्ट लेते हैं मैं एनिमल प्रोडक्ट बोलता हूँ तो बहुत बुरा लगता है मैं दूध दही बोलूँ ना अभी एनिमल प्रोडक्ट बोला तो भी बुरा है लेकिन सत्य है एनिमल प्रोडक्ट्स लेते हैं वो भी अननेचुरल ये अनाज और दालें इतनी लेते हैं वो भी अननेचुरल है कि नहीं क्या लिखा है पढ़ो इसमें बहुत बड़ी ना है अनाज इसकी ना है मीन्स कुछ भी नहीं मिला तो ये खाओ बाकी ये खाने लायक नहीं है समझ गए क्या अभी कुछ भी नहीं मिलता तो कुछ भी खाएंगे भूखा रहने की आदत नहीं है तो क्या है ये सर्वाइवल डाइट है क्या है पशुजन्य खुराक भी सर्वाइवल डाइट है देखो इस्लाम में जो नॉनवेज चला क्यों क्योंकि वहां कुछ उगता नहीं है वो पूरा डेजर्टेड एरिया है वहां तो कुछ हरा उगता ही नहीं है उगता है तो वहां पे पशु खाया जाए वो समझ भी सकते हैं कुछ भी नहीं मिला तो सर्वाइवल के लिए एनिमल बेस्ड डाइट समझा जा सकता है कुछ भी ना पड़े तो ये अनाज खाया वो भी समझा जा सकता है जब ये अकाल पड़ते थे पहले समझ रहे हैं बरसात ही नहीं होती थी सूखा पड़ा था और एक दो तीन पांच दस साल कंटिन्यूस सूखा पड़ा उस टाइम अनाज की महिमा हो गई क्या हो गया अनाज का महत्व लोगों को लगा कि ये तो हमारे इस पे ही तो हम टिके हैं क्योंकि इसको हम संग्रह कर सकते हैं चाहिए तभी बना सकते हैं तो अनाज खाने की आदत तब से पड़ी जब से विषम परिस्थितियों में थे तो विषम परिस्थितियों में खाया तो ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि हवा खाने पे हवा खा के तो जिंदा रहने के लिए हमने कभी प्रैक्टिस नहीं की थी समझ गए yes. ये कब खाना चाहिए जब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं हो तब आप लाचार हो गरीब हो दीन हो हीन हो तब का खुराक है वरना क्या दिया हमने स्टेटस सिंबल देखिए आपके फंक्शन में क्या खुराक है 95% चीजें इसकी ही बनी है कि नहीं एनिमल प्रोडक्ट्स है कि नहीं
कितना चीज, कितना पनीर, कितना दूध, कितना मक्खन, कितना घी, देखिए क्या क्या है, आइसक्रीम कितने हैं, है कि नहीं? वही ठोकते रहते हो, फिर अनाज, अनाज की बनाई हुई चीजें, और उसमें फिर ये बारीक खुराक, तला हुआ खुराक, उसको वाला भी बेचारा क्या कर सकते हैं, वो भी बड़ा दुखी है। समझ रहे हैं? कुछ बताओ आगे, मुझे भी जाना। आप समझ रहे हैं? जो सूर्य की गर्मी से पका वो श्रेष्ठ खुराक है, वही आपका खुराक है। प्रकृति ने सूर्य की गर्मी से जो भी पकाया वो आपके लिए श्रेष्ठ है। मनुष्य को छोड़ के सभी जीव सूर्य की गर्मी से पका हुआ खुराक लेते हैं बाय डिफॉल्ट। मनुष्य और मनुष्य के पाले हुए प्राणी ही गलत खुराक लेते हैं। मेरा पाला हुआ कुत्ता डॉगी है, मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं बिस्किट खिलाऊंगा, मैं रोटी खिलाऊंगा, मैं भाकरी खिलाऊंगा। जो आपके लिए ठीक नहीं है उसके लिए भी ठीक नहीं है। गाय को भी कुछ गलत खिलाओगे, कुत्ते को भी गलत खिलाओगे, बिल्ली को गलत खिलाओगे, पक्षियों को गलत खिलाओगे, तो होगा क्या? आप तो डूबे उनको भी ले डूबे। समझ रहे हो? अग्नि पे चढ़ाया हुआ डेड फूड इतनी मात्रा में लोगे, आगे देखो फिर क्या है, मैं बताऊंगा आगे। आप समझ भी गए होंगे। कुदरत में हवा, पानी और सूर्य और ये पृथ्वी तत्व, ये चार तत्व और आकाश तत्व तो है ही, से जो प्राकृतिक तरीके से अपने आप से जो उगाया है वो आपका श्रेष्ठ खुराक है। ये भगवान का पकाया हुआ खुराक है जो मैंने आपको बताया है। देख लीजिए, ये किसका पकाया हुआ है? बराबर है, पंच तत्व उसने, कुदरत ने अपने हिसाब से पकाया हुआ है। इसका साइंस कोई जानता है? कोई लैबोरेटरी वाला केला उगा सकता है? हाँ, चलो भाई ये केमिकल लाला केला, 1,00,000 केला वो छाप दिया, ऐसा कुछ होता है नहीं। बराबर है, कोई भी ये चीज कोई इंडस्ट्री बना सकती है नहीं, सिर्फ कुदरती बना सकती है। तो महान कौन? सुपर साइंस किसका? कुदरत का। जिसने आपको और मुझे बनाया उसने ही ये हमारे लिए खुराक बनाया है, 84,00,000 जीवों के लिए बनाया है। आप समझ रहे हैं? तो उस कुदरत का पकाया हुआ भोजन हमको लेना है। समझ रहे हैं? अभी एसिडिक भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं वो भी देख लो तो आपको भी समझ में आएगा। सभी पशु जन्य खुराक एसिडिक है, और नॉन वेज अंडा हो, मच्छी हो, और जो भी है दूध है, डेयरी प्रोडक्ट्स है, सभी चीज एसिडिक है। ये जो जंक फूड आप खा रहे हैं वो भी एसिडिक है, चीज, पनीर, चीज बर्गर, पता नहीं क्या क्या आता है, जो भी आता है। ओके, फास्ट फूड एसिडिक, सॉफ्ट ड्रिंक्स सबसे ज्यादा एसिडिक, और स्टेटस के लिए खाना खाते खाते पिए गए, उसकी पीएच वैल्यू आपको पता है 3 के आसपास की पीएच वैल्यू, हाईली एसिडिक। पता नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं, एडवर्टाइज इतनी सारी आ रही है, पेप्सी, पेप्सी, थम्स अप, पता नहीं क्या क्या आती है। हमारी सेलिब्रिटीज लग गई है, उनको भी पैसे के पीछे इतने पागल हो गए कि सब गलत चीज की भी एड में लग जाते हैं। अनाज भी एसिडिक है, तो पहले ही पता है इसमें बड़ी ना है। कोई भी खुराक है अगर आप अग्नि पे चढ़ाओगे तो वो एसिडिक बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि उसके सत्व नष्ट होने लगते हैं, वो सड़ने लगता है, जो जो सड़ता है वो एसिडिक बनते जाता है। शराब एसिडिक है,
तंबाकू एसिडिक है, सिगरेट एसिडिक है, गुटखा एसिडिक है। अगर आप इतना एसिडिक भोजन लोगे, बाद में बोलेगा नहीं मैं तो दवाई खाऊंगा, मैं तो वैक्सीन लूंगा, मैं तो एक्सरसाइज करूंगा, मैं तो अकेला रहूंगा, मैं तो क्रियाकांड करूंगा, मैं कोई पैकेज लेके बैठ जाऊंगा, ये सबसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाला है। ये गलत खुराक खाने वाले ने जितनी ज्यादा दवाई ली तो दवाई भी ज्यादातर सब डेंजरस एसिडिक है। एंटासिड लेना पड़ता है, डॉक्टर देता है कि नहीं? तो ये चीज है, एक्सरसाइज करो।